तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनशॉट के ऊपर। तो मैं इनशॉट के बारे में फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि इनशॉट सॉफ्टवेयर जो होता है, एडिटिंग भी आप इससे कर सकते हैं और फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आरम्भ करते हैं, मतलब कि स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अगर आपके पास अगर इनशॉट नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी इसको, वहाँ से भी आप इसे सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो क्रिएट न्यू पे लिखा हुआ, क्रिएट न्यू के नीचे यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आपको सिंपल सा, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग ही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें वीडियो एडिटिंग का ही दिखा देता हूँ। इसमें जैसे ही न्यू करिएगा तो इसमें आपको बहुत सारे, सबसे पहले आपको फ़ोटो ही ऐड करना होगा, तब उसमें आपको कुछ अदर चीज़ ऐड करने के लिए बोलेगा। तो देखिए, अभी अगर जैसे कि अब फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ करना नहीं आपको। जैसे ही फ़ोटो, अगर जैसे कि कोई भी फ़ोटो से भी वीडियो एडिटिंग होता है तो पांच छह फ़ोटो लेके भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं आपको। सबसे पहले आपको, जैसे इसमें का मैं सब सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैनवास का। तो इस पर आपको यहाँ पे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेम, आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम का ही है, फिर यूट्यूब का है, फिर ये टिकटॉक का है, 3.4 भी शायद, ये पता नहीं, इसमें आप कुछ नाम नहीं लिखा। तो आपको इतने सारे फ्रेम मिल जाएंगे। तो इसमें आपको, जैसे अगर यूट्यूब का वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको 16:9 पे ही कर लेना होगा। तो करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे एडजस्ट करना होगा तो आपको इसको पूरा कंप्लीट ही यहाँ पे देख सकते हैं, एडजस्ट ऐसे कर सकते हैं। तो मैं भी अभी इसको अभी रहने देता हूँ। अभी आपको जैसे मैं इसको रहने नहीं देता, मतलब कंप्लीट ही बता ही देता हूँ। जैसे कि इसको मैं आपको यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, आप कौन से साइज़ में बनाना चाहते हैं उस साइज़ में भी आप इधर से बना सकते हैं। तो एक और गाइस, एक और बात की, जैसे कि अभी जानते होंगे अभी ट्रेन में जैसे कि फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो जो चल रही थी, तो यहाँ से ही वो सभी बनाते थे 1.2 पे, ये वीडियो फ्रेम साइज़ यही हो रहा था। तो जिससे ये कंप्लीट, ये मतलब कि व्हाट्सएप पे कंप्लीट अपना वो जितना उसका स्क्रीन एक साइज होता है व्हाट्सएप स्टेटस का, तो वो कंप्लीट उसमें फिट भी हो जाता है। तो यही साइज पे ही सब बनाते हैं। तो इन शॉर्ट से ही वो सब, जैसे कि कोई अदर में वीडियो एडिटिंग कर लिए और इन शॉर्ट में आके इसको कैनवास में जाके तो इसको यहाँ से 1:2 पे करके इसको फिट कर लेते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन वही था आपके। बाद उसके बाद आ जाता है म्यूज़िक, ये तो नॉर्मल सी ही बात है। जैसे आपको म्यूज़िक में जाना है, म्यूज़िक में आने के बाद आपको यहाँ पर से ट्रैक मिल जाएगा, इफेक्ट मिल जाएगा और रिकॉर्ड भी यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे ट्रैक पर डालिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इसका, या तो आप गैलरी से डाल लीजिए, या तो यहाँ पर आपको इफेक्ट भी मिल जाएगा। इफेक्ट से भी आप कोई भी सारे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, अब मुझे ये यूज करना है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वीडियो मतलब सर, ये ऑडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी वॉइस है, यहाँ पे वॉइस में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ रिकॉर्ड करना नहीं है तो इसको रहने देता हूँ, क्योंकि अगर जैसे कि अगर कभी भी वीडियो, अगर वीडियो का साउंड कभी गड़बड़ हो जाता है तो आप ऊपर से इसको रिकॉर्ड, मतलब वीडियो प्ले करके आप ऊपर से भी आप अपना ऑडियो यहाँ पे मैच कर सकते हैं, मतलब मैच करने बाद ऑडियो अपना यहाँ से ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो कोई नहीं, तो इसको मैं, इसके बाद मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब म्यूज़िक में वही था, अब आ जाते हैं स्टिकर के ऊपर। तो मैं इसमें सबसे पहले स्टिकर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे, आपको यहाँ से अलग टाइप से स्टिकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे गिप भी मिल जाएंगे आपको, तो गिप के लिए आपको इंटरनेट देना होगा। तो कोई नहीं, आपको यहाँ से भी आप गिप लगा सकते हैं। तो मैं जैसे कि इसमें थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, इसमें कुछ ये लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का भी आप इमोजी लगा सकते हैं। तो कोई नहीं, आपको इसमें से जो लगाना है वो भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गिव भी ये आराम से ऐड हो जाता है। तो कोई नहीं, आपको आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे स्टिकर ऐड करने का। अब एक और बात है कि इसमें मैं, इसमें सबसे पहले मैं टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, जैसे कि HYP हाइपर विंध्या। सबसे मुझे इसमें एक ही चीज़ अच्छा लगा, इसमें इंटरेस्टिंग का ये बात है कि इसमें जो फॉन्ट होते हैं ना, इसमें बेहतरीन मिलते हैं, फिर बेहतरीन के साथ और इसमें आपको बहुत सारे चीज़ भी मिल जाएंगे। जैसे इसमें हो जाएगा की फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं आप। की फ्रेम का मतलब, जैसे ये डाल के यहाँ पे आप डालिएगा तो इसका साइज अगर छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, गलती हो गया शायद,
तो यहाँ पे देखिए की फ्रेम का वही यूज़ है। तो यहाँ पे जैसे की फ्रेम ऐड करिएगा, फिर उसके बाद ये बड़ा अपने साइज, मतलब कि आपको जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट को बड़ा करना है छोटा करना है तो की के हिसाब से आप अपना यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर सकते। तो उसके बाद आपको इसी में एडिट में आ जाना है। एडिट में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए, जैसे कलर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक और ऑप्शन बगल में मिल जाएगा, यहाँ से आपको टेक्स्ट को मतलब साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और इसको स्पेस लेके इसमें स्पेस दे सकते हैं, और इसमें बहुत सारे हैं, ये इससे कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यहाँ पे आपको चार नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, यहाँ पे बेसिक मिल जाएंगे, लूप्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया हूँ, तो इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट में भी आप स्टिकर, यहाँ पे एक और चीज़ है, टेक्स्ट में भी आप इसमें स्टिकर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, स्टिकर भी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले डिलीट करके बैक कर लेता हूँ, हो जाए, टिक कर देता हूँ। तो टेक्स्ट करने के बाद अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फिल्टर में, मगर फिल्टर और PIP में दोनों के बारे में लास्ट में बताता हूँ। मैं मतलब कि ये छोटा बड़ा ऑप्शन है, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो इसको मैं लास्ट में बताता हूँ। और सबसे आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो जैसे इसमें ड्यूरेशन का बात आ जाता है, जैसे कि आपको वीडियो आपको यहाँ पे अगर कोई भी फोटो है तो उसको सेकेंड में भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, सेकेंड में भी बढ़ा सकते हैं, या तो आप या तो सिंपल सा आपको यहाँ पे जैसे ये जैसे मैंने इसको रहने दिया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इस पर वीडियो पे मतलब फ़ोटो पे क्लिक करिएगा तो ये आगे इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही था, कोई नहीं। तो उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि ड्यूरेशन हो गया, यहाँ पे एस पी ये देखिए, जैसे कि ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इससे ये सिंपल है कट करने के लिए, कैंची का जो सिंबल होता है एक, तो काइन मास्टर अगर यूज किए होंगे कभी तो उसमें कैंची का सिंबल देता, और इसमें ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इसमें सिंपल है। उसके बाद डिलीट है, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड है, जैसे कि मैं इसमें बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, बैकग्राउंड है तो यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं यहाँ से, तो कोई नहीं। उसके बाद आ जाता हूँ स्पीड, आपको तो पता ही होगा स्पीड क्या होती है, अपने वीडियो को इतना स्पीड स्लो रखना है तो वो है ये। तो यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा मैं अब आगे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको और मिल जाएगा आगे क्रॉपिंग का ऑप्शन, यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आप क्रॉपिंग में जाइएगा तो आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक ऑप्शन दिखाया था, वो सेम ही है, मगर इसमें आपको फ़ोटो कट जाएगी उसमें भी कटेगी, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से भी यहाँ से भी फ्रेम ऐड कर सकते हैं क्रॉपिंग से भी। तो दोनों ऑप्शन सेम ही था, कोई नहीं। तो इसको ये भी आप समझिएगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसके बाद आ जाते हैं वॉइस पे, जैसे कि अगर सॉन्ग, अगर ये तो फोटो है, मैं अगर वीडियो लूँगा तो उसमें आपको यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए मिल जाएगा, और वॉइस को आप बंद करना चाहते हैं वो भी बंद कर सकते हैं, अगर वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस है तो। तो मैं इसमें एक मिनट, तो अगर मैं इसके आगे एक वीडियो लगाना चाहता हूँ तो उसको मैं सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों में बताऊँगा तो सही रहेगा। जैसे कि इसको डायरेक्ट एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे मैं अपना ही वीडियो कहीं छोटा ले लेता हूँ कुछ, तो मैंने एक वीडियो ऐड कर लिया हूँ अपना। तो इसमें सबसे पहले वॉल्यूम में आ जाते हैं, वॉल्यूम देखिए मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, जैसे कि अगर इसमें अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आवाज़ इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं रिपीट का ऑप्शन, सॉरी नहीं, रिप्लेस का मतलब हो गया कि उसके जगह पे, जैसे कि ये वीडियो के जगह पे कोई और वीडियो लगाना चाहते हैं तो उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके बगल में, आ गया यहाँ पे रिवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, और जैसे कि ये वीडियो है तो इस वीडियो को उल्टा करना चाहते हैं तो ये रिवर्स में इसका ऑडियो और वीडियो बन जाएगा। तो ये रिवर्स भी आप उसे सबसे ही पता चल रहा है क्या है, रोटेट तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा, रोटेट क्या होता है, फ्लिप, ये जैसे कि आपको जैसे रोटेट है तो उसी तरह ये ऑप्शन है, जैसे कि आपको दायां से बाएं चेंज करना या बायां से दायां चेंज करना चाहते तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और फ्यूज का हो गया, जैसे कि मैं यहाँ से ये
फ़ोटो को कट करके फ़ोटो लगाना चाहते हो तो ये सिंपल सा यहाँ भी ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं। तो देखिए ऐड हो गया। और मैं आप लास्ट में दो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था, जैसे सबसे पहले इसमें मैं ये बता देता हूँ, PIP बता देता हूँ। PIP बहुत अच्छा ऑप्शन अभी ऐड कर दिया, क्योंकि इससे पहले PIP ऐड नहीं था। तो इसमें सबसे अच्छा बात ये है कि PIP का मतलब कि जैसे कि अगर मैं वीडियो कोई चला रहा हूँ अपना यूट्यूब के लिए कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप PIP ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले ये ऑप्शन नहीं था, ये अभी हाल फिलहाल अपडेट में ही आया है। तो जैसे कि मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ सब्सक्राइब का कुछ, जैसे कि मैं इसमें कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे जैसे कि कोई भी फ़ोटो ऐड करिएगा तो उसमें आपको बैकग्राउंड हटाना होगा, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा बैक कर लेना है, जिससे वो सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद आपको यहाँ से या तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो अगर ये तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन कुछ अगर ग्रीन टाइप का रहता तो अच्छे से ले लेता, लेकिन कोई नहीं ये नहीं ले रहा, तो ये अभी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको रखने तक, क्योंकि मैं अपने वीडियो में यही बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये ऑप्शन तो आपको समझ में, सिंपल ही ऑप्शन है, कोई नहीं। तो इसमें PIP जो होता है सिंपल ही ऑप्शन है, सेम चीज़ है आपको की फ्रेम जो मैं स्टार्टिंग बताया वो था, एडिट में भी सेम चीज़ है, जैसे कि एनिमेशन भी लास्ट ऐड कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें भी फिल्टर है, फिल्टर को अभी कुछ देर में मैं बताऊँगा इसको, तो इसको रन देता है। और क्रोमा है, जैसे कि आप कोई भी ग्रीन वीडियो ऐड करते हैं, जैसे कि मैं कोई भी ग्रीन वीडियो भी इसमें एक के ले लेता हूँ, इसमें सेम ऑप्शन सब है, जैसे कि मैं कुछ देर अभी रुक जाए, एक मिनट मैं अभी बताता हूँ ग्रीन के बारे में। तो उसके बाद वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम के बारे में मैं बता दिया, स्पीड सेम चीज़ है। और कॉपी, जैसे ही कॉपी करेगा तो इसका एक और डुप्लीकेट ऊपर में बन जाएगा। तो और क्रॉपिंग भी मैंने बता ही दिया, तो मतलब कि सेम ही ऑप्शन है, जैसे कि जैसे कोई भी ऑप्शन में अगर ऐड हो गए तो उसमें अगर वीडियो ऐड किए हैं या फोटो ऐड किए तो उसके हिसाब से उसमें ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। और सेम ही ऑप्शन रहते हैं जो आप को बाहर ऑप्शन मिलते हैं, वो सेम ही अंदर में भी वो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो मैं इसमें जैसे कि आपको क्रोमा में जैसे मैं कोई यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ, खासकर ग्रीन वीडियो सभी यूज करते हैं, तो मैं एक ग्रीन वीडियो ही ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रीन वीडियो ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने एक ग्रीन वीडियो ऐड कर लिया हूँ। तो उसके बाद इसको क्रोमा में आ जाएंगे, क्रोमा में आपको सिंपल सा ग्रीन पे ऐड कर लेना है, ग्रीन पे ऐड करने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट कर लेना है। तो जितने भी ग्रीन का उसमें कुछ कुछ चीज़ जो बच जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट करने के बाद वो थोड़ा भी नहीं बचेगा। तो इसमें देख सकते हैं पहले मैं कर लेता हूँ, जैसे बैक आएगा तो पूरा बैक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट ऐड हो गया है, परफेक्ट ही ऐड ही हो गया ये। तो इसको आप अपने हिसाब से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत देखता हूँ करके। तो देख सकते हैं मैंने ये एडजस्ट करने के बाद ये और बेहतरीन आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद मैं आपको PIP भी बता ही दिया। तो उसके बाद PIP में बहुत सारी चीज़ अब ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, अब अपना खुद का जो भी लिंक, सॉरी जो भी फेसबुक का नाम है वो सभी ऐड कर ही सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी जो याद देखा देख रहे होंगे आप, तो वो सब का भी वीडियो आप इस तरह ही ऐड करते हैं। सेम प्रोसेस से कोई भी आपको पीछे में बैकग्राउंड रहेगा तो उसके हिसाब से कर्सर को नीचे करिएगा, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जिसका नाम है फिल्टर। तो फिल्टर में भी आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि इफ़ेक्ट, फिल्टर, एडजस्ट। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है फिल्टर, क्योंकि अभी कुछ साल हो गया, वो एक ऑप्शन था, मैं इसमें अभी फिल्टर पे नहीं, अभी पहले मैं इफ़ेक्ट पे ही बात कर लूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो अभी लेटेस्ट वर्जन है इसमें बहुत सारे चीज़ इसमें ऐड किया गया है। तो देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ ऐड किया गया, यहाँ पे फेदर भी मिल जाएगा आपको, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। वो नहीं, ये सब फिल्टर है, तो ये सिंपल ही था, इसको आप जितना बढ़ाना के रखना चाहते हैं उतना बढ़ा के रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी क्लोज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें कोई एक फ़िल्टर ऐड कर लेता हूँ, ये फ़िल्टर है,
कुछ अच्छा समझा, जैसे ये फ़िल्टर मैंने ले लिया, तो उसके बाद इसको जहाँ तक आपको रखना चाहते हैं वो फ़िल्टर को वहाँ तक आप इसे रख सकते हैं। तो आ जाते हैं कोई और ऑप्शन में, इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फ़िल्टर में, सॉरी वो इफ़ेक्ट था, ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर में सेम ही है, कुछ कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट है, तो वो भाई इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिया। लेकिन तो यहाँ पे नो नेटवर्क, सॉरी बट ये नेटवर्क पर ही चलेगा, तो मैं सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आपको सबसे पहले इंटरनेट ऐड कर लेना है। मेरे हिसाब से अगर आप पहली बार इनशॉट यूज करें तो स्टार्टिंग में, मेरे हिसाब से वो स्टार्टिंग में कोई भी आपको इंटरनेट कनेक्शन मांगेगा ही मांगेंगे, क्योंकि फ़िल्टर सब वो ऐप्स अपना डाउनलोड कर स्टार्टिंग में वो करते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसलिए वो ले रहे होंगे इंटरनेट, क्योंकि मैंने इससे पहले यूज किया था तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए मैंने इंटरनेट नहीं लगाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़िल्टर मिल जाएंगे, बहुत सारे, मतलब क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में ये फ़िल्टर आया है। और एक और बात, इसमें एक और यूनिक चीज़ है, तो मैं भी उसके बारे में बता देता हूँ। अभी ट्रेन में एक फ़िल्टर चल रही थी, फ्लैश करके ऑप्शन होगा, कोई नहीं शायद इसमें नहीं है, इसी में होगा इफेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यही ऑप्शन मैं खोज रहा था जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ऑसम है, कोई नहीं, कुछ कुछ ऑप्शन उसमें भी बहुत सारे ऐड कर दिया गया है, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया था मैं। तो इसको फ़िल्टर में आपको इतना सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे, उसमें भी आप एडजस्ट कर, एडजस्ट का ऑप्शन इसके अंदर ही ऐड हो जाता है, कोई नहीं, आपको फ़िल्टर में इतना सारे आपको फ़िल्टर मिल जाएंगे, आप यहाँ से फ़िल्टर यूज कर सकते हैं। मैं इसको कम कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं एडजस्ट में, आपको यहाँ से ऑप्शन में भी एडजस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता। जैसे कि आप कोई फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते तो आप ये फ़िल्टर से ही ऐड कर सकते, एडिटिंग कर सकते। तो मैं इसमें सबसे पहले दिखाता हूँ, मैं कुछ एडिटिंग करके, कुछ भी अपना छेड़छाड़ करके देख रहा हूँ। उसके बाद मैं तो यहाँ पे मेन ऑप्शन मुझे यही बहुत प्यारा ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि मैं क्या कौन सा ऐप था, लाइट रूम के ऐप्स के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि लाइट रूम में भी कुछ इस टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इससे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इससे तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें, तो आप इससे वीडियो एडिटिंग, सॉरी फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसमें सबसे पहले सबको डिलीट करके इसमें सबसे पहले आपको एक और चीज़ में बता देता हूँ एडजस्ट का। जैसे कि ये वीडियो मेरा ये वीडियो, ठीक है, तो इसको मैं आपको, जैसे कि इस वीडियो में मैं चेहरा को चाहता हूँ कि साफ़ हो जाए मेरे चेहरा को, तो इसमें सबसे पहले ये कर लेता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ, और इसको मैं इसको कनवास में जाके इसको 16:9 पे डाल के ये वीडियो कंप्लीट पूरा कर बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एडजस्ट के बारे में अच्छे से मैं बताता हूँ। जैसे कि एडजस्ट में आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपको इसमें इस ऑप्शन में आ जाना है, जैसे कि HSL जो भी है, तो इसमें आपको ये ऑप्शन बहुत प्यारा ऑप्शन है, क्योंकि मैं अभी इसके ही बारे में, लाइट रूम के बारे में बता रहा था। आप इससे अपने चेहरे को भी गोरा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है, तो उसको आपको अपने हिसाब से ये एडजस्ट करना होगा। अगर मेरे हिसाब से अगर इसमें पेड़ पौधा रहता वो बेहतरीन एडिटिंग होने वाला था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो कि मैं अभी एडिट करके उसको दिखाऊं, तो आप अपने ही ट्राई करिएगा, तो मेरे हिसाब से बेहतरीन, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि आप खुद से ही ट्राई करिएगा, तो आप, मैं जो बताऊँगा और जो आप करिएगा उसमें बहुत का अंतर हो जाता है, ठीक ना। तो ये वीडियो कंप्लीट ही हो ही गया, क्योंकि इसमें जितने सारे ऑप्शन थे मैंने सभी के बारे में बता दिया। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बना दूँ। आप चाहते मैं इस पर फिर से वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मतलब फिर से चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कहीं से प्रॉब्लम आ रही, तो आपको स्पेशली उसके बारे में बताइए और मैं उस पर अच्छे से वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल लेके। तो और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो ओके बाय।